हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं शिनाजी मंदिर के घोड़े देखने। और हमारे साथ आज बहुत पुरानी घोड़ी है, ये 28 साल की घोड़ी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम गेरी लाल कालू भाई घोड़ा। गेरी लाल जी कालू भाई घोड़े वाले, ठीक है। आप यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ से 92 से यहीं है। अच्छा, तो यहाँ के घोड़े आप ही देखते हैं जी। इस घोड़ी का क्या नाम है? इस घोड़ी का नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी, कितने साल की हो गई है सर? ये 98 में यहाँ आई, भेंट आई। अच्छा, 98 में भेंट आई है। 5 साल की थी जब आई। अच्छा, तो यहाँ पे आपने इससे बच्चे लिए? हाँ, 2 बच्चे लिए, एक से एक्सपर्ट हो गया और एक बच्चा अभी है। अच्छा, एक बच्चा अपनी ही है। हाँ जी सर, इस घोड़ी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, बता रहा हूँ आपको, एक अच्छी चीज़ है जो मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं। अच्छा जी, आप आए हैं तो मैंने किसी को बुला के बताई नहीं। आप आए तो आप देखो, बता दो, मैं आप आओ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ओम का निशान बना हुआ है इसके ऊपर। हाँ जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। ये ओम का निशान है और ये अपने स्वास्तिक का ये निशान। ये स्वास्तिक का निशान देख रहे हैं दोस्तों आप सब। ये इसमें कुदरती है। ये कुदरती है, ये मैं इसकी सेवा करता हूँ। ये मेरे को भी ध्यान है, बाकी किसी को ध्यान नहीं है। आप रोज़ इसकी मालिश वालिश करते हैं, इसलिए आपको बताएं। और चीज़ ये मैंने अपने दिमाग से खोजी है। अच्छा अच्छा, बाकी मेरे को पता नहीं थी। अच्छा अच्छा, ये आकृति मैंने देखी दूर से और मेरे को ऐसा लगा कि यार ये ओम की आकृति है। कुछ नहीं करती है बेटा, वो भाई वो बाकी शिनाजी के किसी भी फंक्शन में ये घोड़े ले जाते हैं। हाँ जी, ये जैसे बहुत सी सेवा में, जैसे ठाकुर जी के मनोरथ हैं, ठीक है, तो उनमें नंगारा निशान में लगते हैं। अच्छा, और जैसे ठाकुर जी के 1 महीना सेवा चलती है। अच्छा, राधा स्पी से दशहरे तक। अच्छा, उसमें 1.25 महीने तक लालबाग से सेवा आती है ठाकुर जी के। अच्छा अच्छा, और जन्माष्टमी है, जैसे वरगोड़े है, महाप्रभु जी का जन्मदिन है, आयोजन जो भी होते हैं इनका सवारी में इनको काम दिया जाता है। और ब्याह शादी में भी चलते हैं। अच्छा, ब्याह शादी में भी जाते हैं। अच्छा, ये अपने नाथद्वारा में, ये नाथद्वारा मंदिर मंडल के घोड़ा है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू।